हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कैसे होता है। ज़्यादातर बच्चे जब इस आइडेंटिटी को लर्न करते हैं तो बस लर्न ही करते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कैसे होता है। ठीक है, आज मैं आपको इसकी प्रूवनेस सिखाऊंगा और ये बहुत ही ईजी है और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलिए आज की वीडियो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमें आज करना है वो है a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कैसे होता है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? साइड का स्क्वायर। और साइड के स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो कि मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर, एक स्क्वायर है और जिसकी साइड है a प्लस बी, ए प्लस बी और इसकी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ये भी है, a प्लस बी ये भी है, a प्लस बी ये भी है और a प्लस बी ये भी है। ठीक है, तो यानी ये क्या हुआ, दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी कोई एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड ए प्लस बी है, क्या उसका एरिया ये हो सकता है? अगर हाँ है तो हम इसको प्रूव कर दें। चलिए हम ये लेके चलते हैं कि जो ये मेरा स्क्वायर है इसमें ये ए है और ये बी, यानी ये बी है और ये ए, ऐसे ही ये ए है और ये बी, ऐसे ही ये ए है ये बी और ये ए है और ये बी, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको ज्वाइन कर दूं। अब देखिए कितना आसान है। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है दोस्तों, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर। क्या बन गया? स्क्वायर। और ये क्या बना? रेक्टेंगल। और ये अगेन एक रेक्टेंगल बन गया और ये अगेन एक स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी इस अगर मैं इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा? तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया वो क्या आएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। रेक्टेंगल, इसकी ये जो ब्रेथ है ये ए है और लेंथ क्या है, बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी। ये क्या बना, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है यानी बी इंटू ए, यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब इनको करेक्ट फॉर्म कर देते हैं, ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टू ए। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और अगर दूसरे फॉर्म में देखो, क्योंकि इसकी जो साइड है वो ए प्लस बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा, ए प्लस बी की स्क्वायर। तो ए प्लस बी की स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आई होप दोस्तों आपको है ना मेरी ये जो आइडेंटिटी है इसकी प्रूवनेस आपको आसानी से समझ में आई होगी, और आगे लाइफ में आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखेंगे और आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आगे भी इस तरह की छोटी छोटी और जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें थोड़ा प्रोत्साहित करिए ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। नमस्कार दोस्तों।